हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रदीप। सो आज से मैं आपके लिए HTML की एक न्यू प्लेलिस्ट शुरू करने जा रही हूँ। और इस प्लेलिस्ट को पढ़ने के लिए अगर आपको कोडिंग की या वेब डेवलपमेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। हम इसमें बिगनर से एडवांस तक के लेटेस्ट अपडेट के साथ सारे कॉन्सेप्ट विद प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके, सो वॉट इज़ HTML? HTML आखिर है क्या? हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए आखिर वो है क्या और हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसका काम हम लोग वेब पेजेस को बनाने के लिए करते हैं। वेब पेज जब भी हम बनाते हैं तो पहले हमें HTML का ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम आगे कोई कोडिंग कर सकते हैं उसमें। तो पहले हम वेबसाइट हमारी स्टैटिक होती है, फिर जाके डायनामिक बनती है। तो स्टैटिक का इनिशियल पार्ट, सबसे पहला पार्ट यही होता है कि हम पहले HTML का कोड करना स्टार्ट करते हैं, फिर HTML से हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। HTML में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपना वेब पेज बना पाते हैं, जैसे कि हेडर्स या पैराग्राफ्स बनाने होते हैं, लिंक्स बनाने होते हैं ताकि एक पेज से दूसरे पेज में जाएं, इमेजेस बनानी डालनी होती हैं उसमें, एंड ताकि वो वेबसाइट पर डिस्प्ले करें। टूल्स की क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, कौन कौन से टूल्स देखते हैं हम लोग? तो एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, चाहे वो नोटपैड हो, चाहे वो नोटपैड प्लस प्लस हो, चाहे वो सबलाइम हो, या आपके पीसी में जो अभी अवेलेबल हो। जो नॉर्मली सबके पीसी में नोटपैड अवेलेबल होता है, तो अभी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, बाद में हम आगे सबलाइम पे शिफ्ट करेंगे। उसके बाद एक ब्राउज़र कोई चाहिए जो आपके पीसी में आराम से अभी ईजिली अवेलेबल हो, चाहे वो सफारी हो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो एज हो, कोई भी। सो हम यहाँ HTML 5 पढ़ने वाले हैं। HTML 5 इसलिए क्योंकि ये HTML का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है। इसमें कुछ नए अपडेट्स आए हैं, इससे पहले HTML 4 चल रहा था। HTML 5 में क्या अपडेट आए हैं, कुछ पॉइंट्स पे नज़र डालते हैं। इसमें ऑडियो और वीडियो टैग आए हैं जिसकी वजह से हम लोग ऑडियो और वीडियो टैग को सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, एंड उनके कंट्रोल कैसे वर्क कर रहे हैं ये भी हम उसमें एट्रीब्यूट वैल्यू डाल के सेट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट वैल्यू क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे जब करेंगे तब वर्क करेंगे तब इसमें बताएंगे। न्यू एलिमेंट्स आए हैं जैसे कि नेविगेशन के लिए नैव, हेडर के लिए जो वेब पेज का हेड होता है उसके लिए हेडर टैग, जो वेब पेज का फुटर होता है उसके लिए फुटर टैग। एंड ये जो HTML 5 है ये ऑलमोस्ट सभी ब्राउज़र्स के साथ सपोर्टेड है, फायरफॉक्स हो, चाहे वो मोज़िला हो, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो सफारी हो, या वो कोई भी हो, ऑलमोस्ट सभी के साथ ये सपोर्टेड है। HTML 5 ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली है इन कंपैरिजन टू HTML 4। इसका डॉक टाइप डिक्लेरेशन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ईजी है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि HTML का ये जो पार्ट है ये HTML 4 में हुआ था या 5 में हुआ था, सबका डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिफरेंट है। और इन सब में सबसे ईजी डॉक टाइप डिक्लेरेशन HTML 5 का है। एग्जैक्टली डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने नोटपैड खोल लिया है और अब हम इसमें HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं। HTML टैग शुरू करते हैं और HTML टैग बंद करते हैं, एंड बंद करते वक्त हमें ये स्लैश का इस्तेमाल करना है। ओके, फिर HTML के अंदर दो टैग आते हैं, हेड एंड बॉडी। हेड को शुरू करेंगे, हेड को बंद किया, देन सारे टैग इसी तरह शुरू होंगे और इसी तरह एंड होंगे। ओके, अब हेड के अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं वैसे तो, बट अभी हम लोग सिर्फ एक ही टैग पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइटल। टाइटल में हम वो चीज़ें या वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं एक तरीके से जो वेब पेज के टॉप पे शो होती है, एज आ कि पेज का टाइटल क्या है। माय टाइटल। एंड नाउ बॉडी के अंदर हम अभी एक बेसिक टैग शुरू करने वाले जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है H1, एंड H1 टैग शुरू किया, H1 टैग बंद किया, एंड नाउ हम यहाँ पे जस्ट है। अब इसको हम लोग सेव एज करते हैं। सेव एज में हम अपना जो भी नाम रखना है नाम रख के .html का यूज़ करके हम लोग फाइल को सेव कर देते हैं। ओके, एंड नाउ हम इसको रन कराते हैं।
तो आप ये देख सकते हैं माई टाइटल, टाइटल में जो हमने डाला था, एंड हाई, ये हमारी H1 हेडिंग है. ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा. और अब मैं आपको एक डिफरेंस दिखाने वाली हूँ कि HTML में कितनी टाइप की हेडिंग्स होती हैं और हर हेडिंग का एग्जैक्टली क्या यूज़ होता है. सो आपने देखा H1 से H6 तक हमने जितनी भी हेडिंग्स का इस्तेमाल किया था, उसमें से पर्टिकुलर हेडिंग्स जो भी हैं वो कौन कौन से साइज़ में आ रही हैं, ये सब के सब बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड में आते हैं, मगर इट जस्ट इनके साइज़ का डिफरेंस होता है और ये H1 से सिर्फ H6 तक होती हैं. आज हम हमारी HTML सीरीज़ की प्लेलिस्ट का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम HTML सीरीज़ के कुछ कॉमनली यूज होने वाले टैग्स को देखेंगे, जैसे कि पैराग्राफ टैग्स. पैराग्राफ टैग पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए होता है. एंकर टैग लिंक को क्रिएट करने के लिए होता है जब हमें एक पेज को दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कराना हो. ब्रेक टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है. इमेज टैग इमेज इंसर्ट करने के लिए होता है. विथ इनके एट्रीब्यूट्स और वैल्यू, अब आप सोच रहे होंगे एट्रीब्यूट्स और वैल्यू क्या होते हैं. तो एंकर टैग में जो आप देख रहे हैं ये HREF लगा हुआ है और इसके बाद ये डबल कोट्स के अंदर एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है. तो HREF एंकर टैग का ये एट्रीब्यूट होता है और इसके अंदर हम कुछ भी किसी भी टाइप का कुछ वेबसाइट दे सकते हैं या कोई इमेज का नाम दे सकते हैं और वो वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा. बस एंकर टैग खोलने और बंद करने के बीच में हमें एक स्टेटमेंट देना होता है, जैसे हमने यहाँ पे एज एग्जांपल ये दे रखा है, दिस इज़ द लिंक फॉर ओपन त्रिदेव ऑफिशियल वेबसाइट. उसी के बाद ये इमेज में भी हमने ये सोर्स दे रखा है, एल्ट दे रखा है. सोर्स बोलते हैं बट लिखते SRC हैं एज आ एट्रीब्यूट और इसकी वैल्यू में हम इमेज का एड्रेस लिखते हैं. एल्ट कि अगर हमारी इमेज लोड हो या ना हो, हम जब इमेज पे होवर करेंगे, माउस का कर्सर उस पे ले जाएंगे, तो हमने एल्ट के अंदर जो भी इमेज का नाम दे रखा होगा वो वहाँ पे शो करता है. विड्थ और हाइट हम अपने पिक्सल्स के हिसाब से इमेज कितनी बड़ी चाहिए छोटी चाहिए उस हिसाब से देते हैं. तो आइए अब प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं. सो एज़ यू कैन सी कल हमने यहाँ तक कोड किया था और अब हम पैराग्राफ टैग पढ़ेंगे. तो पैराग्राफ टैग के लिए मैंने एक डेमो पैराग्राफ कॉपी कर रखा है और मैंने उसे यहाँ पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया एंड हेयर्स कंट्रोल आर. सो यू कैन सी दैट कि हाँ यहाँ पे एक नॉर्म पैराग्राफ आ गया है. बस अब हमें यहाँ पे कहीं लाइन में ब्रेक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पे एंटर कर दिया, बट कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी लाइन पे ब्रेक नहीं आया है. अब हमें ब्रेक तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम ये BR टैग लगा देंगे. BR टैग यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द लाइन, कंट्रोल एस किया एंड देन अगेन यहाँ पे कंट्रोल आर किया एंड यू कैन सी दैट कि हमारा यहाँ पे लाइन पे ब्रेक आ गया जहाँ पे हमने किया था. सो आई होप आपको पता चल गया होगा पैराग्राफ टैग और ब्रेक टैग बोथ कैसे वर्क करते हैं. सो अब हम इमेज इंसर्ट करना देखेंगे कि इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं वेब पेज पे, जिसके लिए IMG टैग यूज़ होता है. IMG का कोई खुद का क्लोजिंग टैग नहीं होता है और इसको हम लोग बैक स्लैश लगा के बस क्लोज कर देते हैं. फिर SRC एट्रीब्यूट देंगे और SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग अपना इमेज का एड्रेस देंगे, जिस जहाँ पर हमारी ये HTML डॉक्यूमेंट है उसी जगह पे, सेम जगह पे हमारा एक वो इमेज फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है tridev.png. एक्सटेंशन ज़रूर लिखिएगा, एक्सटेंशन लिखना मत भूलिएगा. सेम ही जगह है, किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर नहीं जाना, इसलिए हमने डायरेक्ट फाइल का नाम लिख लिया है. देन कंट्रोल एस करेंगे एंड अपने ब्राउज़र पे जाके कंट्रोल आर करेंगे, तो आप देख सकते हैं इमेज आ गई है. तो अब हम देखते हैं इमेज का एल्ट एट्रीब्यूट कैसे वर्क करता है. तो हमने यहाँ पर जस्ट एक दे दिया, शेट क्या हो रहा है, एल्ट में एक वैल्यू दे दी एंड हमने यहाँ पे जस्ट डी हटा दिया क्योंकि हमें इमेज का नाम गलत करना था. एंड कंट्रोल एस करेंगे एंड आप देख सकते हैं कंट्रोल आर करेंगे, तो ये इमेज अब यहाँ पे शो नहीं हो रही है. इट जस्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हमने एल्ट में जो वैल्यू दे रखी थी अब वो यहाँ पे शो हो रहा है. अब इसका जो एट्रीब्यूट्स हैं हाइट और वेट, विड्थ सॉरी, वो कैसे वर्क करता है, HIGST हाइट हम अभी दे देते हैं जस्ट 250 पिक्सल्स एंड विड्थ भी दे देते हैं 250 और इस हमारे जो नेम की स्पेलिंग थी इमेज की वो भी सही कर देते हैं. कंट्रोल एस करेंगे एंड ब्राउज़र पे जाके कंट्रोल आर करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये
इमेज आ जानी चाहिए थी, क्या हो गया? टी आर ए आई टी, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। सो आप देख सकते हैं इमेज के सारे एट्रीब्यूट्स कैसे वर्क करते हैं, हमें कैसे सारे एट्रीब्यूट्स में कैसे वैल्यू देनी होती है, आप समझ गए होंगे। अब हम एंकर टैग पे आते हैं। एंकर टैग एग्जैक्टली क्या वर्क करता है? लिंक क्रिएट करता है एक पेज से दूसरे पेज के लिए। तो अभी हम इसमें सिर्फ एक इमेज का लिंक क्रिएट करेंगे। जस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट दे देते हैं ओपन इमेज, और एंकर टैग के अंदर एच आर ई एफ एट्रीब्यूट लगाएंगे, एंड इसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं इसी इमेज की, तरेव डॉट पी एन जी विथ एक्सटेंशन कंट्रोल एस करेंगे, एंड अगेन यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल आर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ओपन इमेज नाम से एक लिंक आ गया। इस पर जैसे ही होवर कर रहे हैं एक हैंड आ रहा है, हैंड पे क्लिक करेंगे और हमारी इमेज खुल जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि एंकर टैग कैसे वर्क कर रहा है, इमेज टैग कैसे वर्क करता है, पैराग्राफ टैग कैसे वर्क करता है, एंड ब्रेक टैग कैसे वर्क करता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ एचटीएमएल ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ आवर यूट्यूब चैनल त्रदेव। सो आज हम एंकर टैग के टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक वैल्यू यूज़ होती है सेल्फ, दूसरी ब्लैंक। सेल्फ का हम लोग यूज़ तब करते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, जब हमारा वेब पेज है और वहीं पे हमने लिंक दिया हुआ है तो सेम पेज पे पेज रीलोड हो जाए, पेज ओपन हो जाए, तब हम सेल्फ का यूज़ करते हैं। एंड ब्लैंक का यूज़ तब करते हैं जब हम चाहते हैं न्यू टैब ओपन हो, जब हम उस लिंक पे क्लिक करें। फिर आता है कमेंट्स इन एचटीएमएल। कमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं आज। कमेंट्स का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई एक मार्क देना होता है कि अब यहाँ से हमारा ये सेक्शन शुरू हो रहा है, यहाँ पे हेडर ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे फुटर ख़त्म हो रहा है, और हम नहीं चाहते कि वो एज अ कोड रन हो, वो लाइन एज अ कोड रन भी हो, वो हमारे वेब पेज पर शो हो, तब हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम आएंगे बटन टैग के बारे में पढ़ेंगे और एचआर टैग के बारे में पढ़ेंगे। एचआर टैग एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है हॉरिजॉन्टली पूरे हमारे वेब पेज पे। तो चाहिए आइए प्रैक्टिकली देखते हैं ये सब कैसे वर्क करता है। सो कल हमने यहाँ तक किया था। अब हम एंकर टैग लगा हुआ है, इसमें टारगेट एट्रीब्यूट देते हैं, एंड इसमें अब हम ब्लैंक वैल्यू का यूज़ करेंगे। कंट्रोल एस करेंगे एंड क्रोम पे जाके कंट्रोल आर करेंगे, लिंक पे क्लिक किया, एंड आप देख सकते हैं न्यू टैब पे ओपन हो रहा है ये भी। अब हमारा इमेज कैंसिल किया, एंड अब जाके टारगेट में हम ब्लैंक की जगह सेल्फ देते हैं। कंट्रोल एस किया एंड क्रोम पे जाके कंट्रोल आर किया, एंड यू कैन सी दैट क्लियरली कि अब हम सेम टैब पे ही हमारी इमेज ओपन हो रही है। सेल्फ वाला हमारा जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट भी वर्क करता है। इसको हम लोग रिमूव करके देखते हैं। कंट्रोल एस एंड अगेन क्रोम पे जाके कंट्रोल आर, एंड यू कैन सी दैट ओपन इमेज पे क्लिक किया, सेम टैब पे इमेज ओपन हो गई। अब हम पढ़ते हैं एच आर टैग के बारे में। एच आर टैग लगाया जिसे हम हॉरिजॉन्टल टैग कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। कंट्रोल एस किया, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ एच आर लिख देते हैं, एंड हेयर यहाँ हमने कंट्रोल आर किया। तो आप देख सकते हैं पूरे पेज को एक अलग अलग से एक थिन सी लाइन सेपरेट कर रही है, और इसका इस्तेमाल हम लोग जब हमें कंटेंट सेपरेट करना होता है तो हम करते हैं। तो एच आर टैग के बाद हम देखते हैं कमेंट कैसे लगाते हैं। ये हमने कमेंट खोला, ये हमने कमेंट बंद किया, और बीच में जाके हमने लिख दिया पैरा ग्राफ स्टार्टेड। कमेंट्स का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए करते हैं जब डेवलपर को कुछ मेंशन करना होता है कि यहाँ पे कौन सा सेक्शन शुरू हुआ है और कौन सा सेक्शन या फिर ख़त्म हुआ है। जैसे हम पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ लिख सकती थी पैराग्राफ एंड, एंड उस कोड पे किसी फीचर डेवलपर को काम करना है, या हम भी जब वर्क कर देते हैं वेबसाइट जब बनती है तो बहुत सारा कोर्स हो जाता है, तो चीज़ों को क्लियरिफाई रखने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब पेज रन होता है, लोड होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कमेंट सेक्शन है ये लोड नहीं होता है। हमारा ब्राउज़र समझ जाता है कि ये सिर्फ कमेंट है, इसे लोड ही नहीं करना है। कंट्रोल आर किया एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारा कमेंट नहीं आया। अब मैं आपको बताती हूँ बटन टैग के बारे में। बटन का हम लोग इस्तेमाल फॉर्म फिल करने के लिए करते हैं। फॉर्म एग्जैक्टली हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम बेसिक सारे अपने टैग्स को कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी मैंने गलती से फॉर्म लिख दिया।
BUTTON, बटन टैग बंद किया एंड ना हमने यहाँ पे बीच में लिख दिया क्लिक मी, कंट्रोल एस एंड हेयर कंट्रोल आर एंड यू कैन सी दैट एक बटन बनकर आ गया है जिस पे हम क्लिक कर करके देख रहे हैं। तो ये कुछ हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन और हमारे HTML के बारे में। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल त्रिदेव। सो आज हम हमारी HTML सीरीज की प्लेलिस्ट का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम HTML के इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टैग्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, बोल्ड, एम्फसाइज्ड, स्ट्रॉन्ग एंड डिलीट, स्मॉल, मार्क, इंसर्ट, ब्लॉक कोड, एड्रेस। सो प्रैक्टिकली देखते हैं ये सब कैसे वर्क करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आगे नोटपैड के अलावा नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइन का यूज़ करने वाले हैं अपनी कोडिंग करने के लिए। सो आपको इस लिंक में, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ से आप इजीली अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आपका 32 बिट का है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना exe फाइल आपको डाउनलोड करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करके दिखा रही हूँ। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, बट सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसे अब इसको कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है ये। इस तरह आपके पास जब इसको ओपन करेंगे इंस्टॉल करके, इस तरह ये आइकन बन के आपके पास खुलकर आ जाएगा। नाउ अब हम अपने HTML की कोड स्टार्ट करते हैं। मैंने इस फाइल को .html नाम से सेव कर लिया है। अब ये हमारे पास पूरा HTML का स्ट्रक्चर आ गया है। जस्ट HTML लिखा मैंने और एंटर दबाया। यहाँ पे मैं टाइटल दे देती हूँ HTML डेमो। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबस्क्रिप्ट टैग एंड सुपर स्क्रिप्ट टैग साथ में। सो गाइज, आपने STO फॉर्मूला तो देखा होगा केमिस्ट्री में, STO कैसे लिखते हैं एंड A प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं। सो देखिए, जब हमें H2O लिखना होता है, मतलब H के नीचे बिलो आएगा 2, तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, मतलब SUB टैग का यूज़ करते हैं। एंड जब हमें कोई पावर लिखनी होती है किसी चीज़ की, जैसे A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, मतलब SUP। प्रैक्टिकली देखते हैं ये दोनों चीज़ कैसे वर्क करती हैं। सो सुपर स्क्रिप्ट टैग देखते हैं कैसे वर्क करता है। हमने लिखा SUP, SUP टैग बंद कर दिया। अब हमें सुपर टैग का मतलब क्या था, जो चीज़ ऊपर आती है, तो हमें पावर क्या है, 2, जैसे कि हमें A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाना होगा, तो A प्लस बी लिख दिया हमने यहाँ पे ब्रैकेट में, A प्लस बी। बट अब A प्लस बी तो ऐसे प्रिंट होगा नहीं, तो हमें पैराग्राफ टैग का भी यूज़ करना पड़ेगा। हमने पी का टैग यहाँ से यूज़ किया और यहाँ पे पी का टैग बंद कर दिया, कंट्रोल एस किया और अपने ब्राउजर में जाके कंट्रोल हम आर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं A प्लस बी होल स्क्वायर कैसे आ गया है। मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है। अब सब लाइन पे जाते हैं दोबारा। सो गाइस, जैसे हमने सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया था, वैसे ही सब स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर रहे हैं H2, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं O, फिर कंट्रोल एस किया, ब्राउजर में आके कंट्रोल आर किया। सो आप समझ गए होंगे सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट दोनों का एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है, तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम इन फोर टैग्स के बारे में देखने वाले हैं। बी मतलब बोल्ड, स्ट्रांग जो कि एग्जैक्टली बोल्ड जैसे वर्क करता है, बट ये टेक्स्ट को एक स्ट्रांग इम्पॉर्टेंस भी देता है। आई मीन्स इटालिक, EM मीन्स एम्फसाइज्ड, ये दोनों ही टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए यूज होते हैं, बट इट जस्ट EM टैग एक हमारे टेक्स्ट को एक एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस भी शो करता है। तो देखते हैं ये चारों टैग एग्जैक्टली हमारे कैसे वर्क करते हैं प्रैक्टिकली। सो लास्ट हमने अपना कोड यहीं लीव किया था और हम यहीं अब बिगिन कर रहे हैं। सो हमने बी टैग, जैसे कि मतलब बोल्ड का यूज़ किया, और हम लिख रहे हैं त्रिदेव। फिर हमने सेम टेक्स्ट को अब हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे, नाउ इटालिक जो कि सिर्फ आई से शुरू होता है, आई पे बंद होता है, त्रिदेव एंड नाउ जस्ट की EM
कंट्रोल एस किया, ब्राउजर में आके देखते हैं कंट्रोल आर करके कि एग्जैक्टली चारों टैग आपको क्या रिजल्ट डिस्प्ले कराते हैं। तो गाइस मैं ब्राउजर में आ गई हूँ, यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल आर किया एंड नाउ यू कैन सी दैट ये हमारा बोल्ड है, ये हमारा स्ट्रांग है, ये हमारा इटैलिक है और ये हमारा एम्फसाइज्ड है। आप देख सकते हैं बोल्ड एंड स्ट्रांग सेम है, इटैलिक एंड एम्फसाइज भी सेम है। इज जस्ट ये हमारे ब्राउजर हमारे सर्वर को शो कर रहे हैं कि ये स्ट्रांग टैग बोल्ड से ज़्यादा स्ट्रांग है एंड एम्फसाइज टैग इटैलिक से ज़्यादा स्ट्रांग है। दैट्स इट। सो आगे हमारे जो और बेसिक टैग्स हैं हम उनके बारे में जानते हैं। सो गाइज अब हम हमारे नेक्स्ट फोर टैग्स के बारे में जानेंगे, डल, स्मॉल, मार्क और INS। डल का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे किसी टेक्स्ट पे एक बीच में लाइन कट होकर आए, जैसे लगा हो कि उस टेक्स्ट को हमने बीच से कट किया है। स्मॉल का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई हमारा सेंटेंस लिखा हो, बीच में हमने स्मॉल टैग लगा दिया पर्टिकुलर किसी सेंटेंस में या फिर टेक्स्ट में, तो वो हमारे रेगुलर फॉन्ट से थोड़ा स्मॉल में आ जाता है। मार्क लाइक हाइलाइटर की तरह वर्क करता है आपके वेब पेज पे। INS इंसर्ट हमारा अंडरलाइन लगा देता है हमारे वेब पेज पे। तो प्रैक्टिकली देखते हैं ये चारों टैग कैसे वर्क करते हैं। सो ये रहे हमारा पुराना वर्क, इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम चार टैग लगा देते हैं। नाउ हमारा पहला टैग है डेल, डेल यूज किया एंड नाउ हम इसमें लिख देते हैं त्रिदेव। एंड नाउ डेल के बाद हम देखते हैं स्मॉल टैग कैसे वर्क करता है। पीकर रेगुलर यूज कर लेते हैं, प्रदीप लिखा, स्मॉल लिखा, ऑफिशियल स्मॉल टैग बंद कर दिया एंड हमने पी टैग भी बंद कर दिया। डेल के बाद देखते हैं मार्क टैग, MARK मार्क, प्रदीप, मार्क टैग के बाद है INS। ओके, सो आई होप आपने देखा कि मैंने इन चारों टैग को कैसे शुरू किया और बराबर से बंद किया है। कंट्रोल एस किया मैंने और अब ब्राउजर पे जाके कंट्रोल आर करके देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आया है। सो गाइस हम यहाँ पे आए, हमने कंट्रोल आर किया एंड यू कैन सी दैट ये हमारा पुराना काम था, नए काम के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ये हमारा का कौन सा है, डेल टैग है जो कि ऐसा रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। ये हमारा स्मॉल टैग है जिसमें आप देख सकते हैं त्रिदेव से ये स्मॉल भी कैसे आ गया है। ये हमारा मार्क टैग है जो कि हाइलाइटर की तरह एग्जैक्टली वर्क कर रहा है और ये हमारा INS टैग है जो बिल्कुल अंडरलाइन की तरह वर्क कर रहा है। सो आई होप आप हमारे ये चारों टैग भी अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि कैसे वर्क कर रहे हैं। अब हम अपने लास्ट फोर टैग्स के बारे में जानेंगे। सो गाइस आज के हमारे वीडियो के लास्ट फोर टैग्स ये हैं, क्यू टैग, ब्लॉक कोड टैग जो कि एग्जैक्टली ये दोनों हमारे कोटेशन टैग की तरह यूज होते हैं, एड्रेस टैग एंड साइट टैग। ये दोनों टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज होते हैं, बट जैसे कि आपने देखा होगा लेटर्स वगैरह में कि एड्रेस कैसे जिस इटैलिक फॉन्ट में आता है, तो फिर ये चीज हमारे ब्राउजर को बताने के लिए कि हमारा ये पर्टिकुलर टेक्स्ट एड्रेस है हम लोग एड्रेस टैग का ही यूज करते हैं। सो हमने फिर से एक HR टैग लगा दिया है चीजों को डिफ्रेंशिएट रखने के लिए और अब हम क्यू टैग का यूज कर रहे हैं, कोटेशन टैग। ऑफिशियल क्यू टैग बंद कर दिया। नाउ ब्लॉक कोड त्रिदेव ऑफिशियल एंड नाउ हमारे पास है एड्रेस टैग त्रिदेव नेक्स्ट इट्स साइट टैग सो ये हमने चारों टैगों को लिख लिया है बराबर से शुरू करके उन सबको बराबर से बंद करके।
कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर में जाके देखते हैं कंट्रोल आर करके कि क्या डिस्प्ले करता है. सो हियर वी आर कंट्रोल आर एंड यू कैन सी दैट ये हमारा क्यू टैग है. एग्जैक्टली कोटेशन टैग की तरह आ रहा है. ये हमारा ब्लॉक कोड टैग है जो कि थोड़ा सा हमारी मार्जिन लेफ्ट देखकर साइड में आ रहा है. एंड ये हमारा एड्रेस टैग है जो कि एग्जैक्टली इटैलिक में आ रहा है जैसे कि हमने लेटर या ईमेल्स में देखा होगा जिस फॉन्ट में. एनी हमारा सैट टैग है CIT यू कैन सी दैट. सो आज के हमारे ये सारे टैग्स को आप अच्छे से पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा. एक बार में याद नहीं होंगे बट एग्जैक्टली प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, आपको सारे टैग्स समझ में आ जाएंगे. सो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर ये पसंद आया हो. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल त्रिदेव. सो आज हम हमारी HTML सीरीज की प्लेलिस्ट का 5th पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम HTML में टेबल्स के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली टेबल्स क्या होती हैं, टेबल्स को कैसे बनाते हैं, टेबल टैग्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं और टेबल टैग्स के अंदर जो हमारे बेसिक 3 टैग्स आते हैं, टेबल की हेडिंग TH टैग, टेबल की रो TR टैग और टेबल का डेटा इंसर्ट कराने के लिए TD टैग, ये तीनों ही टैग कैसे वर्क करते हैं टेबल टैग के साथ. चलिए आइए प्रैक्टिकली देखते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल्स स्टार्ट करने से पहले मैंने एक न्यू फाइल ले ली है जिसका टाइटल मैंने टेबल दे दिया है. मैंने टेबल टैग शुरू किया, टेबल टैग बंद किया. अब मैं एक नई रो क्रिएट करती हूँ, TR टैग शुरू किया और TR टैग बंद कर दिया. नाउ मैं यहाँ पर अब कुछ हेडिंग्स इंसर्ट कराती हूँ, TH फॉर टेबल हेडिंग एंड TH, दो मैंने यहाँ पे टेबल हेडिंग ले ली है. यहाँ पे मैं आपको सीरियल नंबर दे देते हैं और यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ चलिए नेम. ठीक, एक और रो ले लेते हैं, TR शुरू किया, TR बंद किया एंड इसके अंदर हम TD यूज़ करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे हमने ऊपर TH यूज़ किया, नीचे TD क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कराएंगे, है ना, और TH मतलब वो बोल्ड होकर आएगा टेबल में. आपको जो टेबल हेडिंग होती है वो यहाँ पे बोल्ड होकर आएगी. काना हमने इसको कंट्रोल एस करके सेव किया. अब ब्राउज़र पे जाके देखते हैं कि ये कैसे रन होता है. हम ब्राउज़र पे आए हैं, हमने कंट्रोल आर किया एंड नाउ आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 नेम काना आ गया. अब हम चाहे तो यहाँ पे और टेबल हेडिंग्स बढ़ा सकते हैं और टेबल डेटा बढ़ा सकते हैं. चलिए वो भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं. जैसा कि आपने देखा गाइस, मैंने यहाँ पे 2 टेबल हेडिंग्स और बढ़ा दी थी और साथ में ही 2 टेबल रोज़ बढ़ा के उसमें डेटा डाल दिया था. सो आप समझ गए होंगे टेबल एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है, टेबल के जो टैग्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं. नाउ गाइस, लेट्स लर्न मोर समथिंग डेप्थ अबाउट टेबल, इट्स रो स्पैन एंड कॉल स्पैन. अब आप सोच रहे होंगे रो स्पैन और कॉल स्पैन एक्चुअली होते क्या हैं. तो रो स्पैन और कॉल स्पैन जो होते हैं हमारे टेबल्स के जो इनर टैग्स होते हैं, टेबल हेडिंग, टेबल टेबल डेटा, उसमें यूज़ होते हैं जब हमें एक ही डेटा को एक से ज़्यादा रो में इंसर्ट कराना हो या फिर एक से ज़्यादा कॉलम में इंसर्ट कराना हो. अगर हमें किसी डेटा को एक से ज़्यादा रो में इंसर्ट कराना है तो हम रो स्पैन का यूज़ करते हैं एंड एक से ज़्यादा कॉलम में इंसर्ट कराना हो तो हम कॉल स्पैन यूज़ करते हैं. प्रैक्टिकली देखते हैं इसका जो मैं कह रही हूँ इसका मतलब क्या है. सो पहले हम समझते हैं कॉल स्पैन क्या होता है. कॉल स्पैन बताने के लिए मैं यहाँ से एक आपका जो कॉलम है वो हटा देती हूँ और इसमें लिखती हूँ कॉल स्पैन इक्वल टू, ताकि ये पता चल जाए ये 2 कॉलम की जगह घेरेगा. कंट्रोल एस किया,
सो ब्राउज़र पे आके हमने कंट्रोल आर करके देखा है कि ये जो जगह है ना नेम, ये एक्चुअली सीरियल नंबर की जगह भी घेरनी चाहिए। ये घेर भी रही है, मतलब ये उसकी जगह भी ले रही है, बट ये आपको एग्जैक्टली शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं लगे हैं। तो मैंने CSS का यूज़ करके यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया है। एग्जैक्टली ये CSS कैसे वर्क कर रही है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब HTML सीरीज हमारी ख़त्म हो जाएगी। अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिए हैं। नाउ लेट्स चेक कि अब आपको यहाँ पे डिफरेंस जो दिखने वाला है। तो आपको दिखा ये जो मतलब नेम है 1 2 3 सीरियल नंबर वाइज का आप देख रहे हो, ये उसकी हेडिंग की जगह भी देख रही है, जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पे ये कॉल स्पैन यूज़ किया है इस वजह से। अब मैं आपको बताती हूँ रो स्पैन क्या होता है। सो गाइस हम लोग ऑलरेडी कॉल स्पैन देख चुके हैं, अब देखते हैं रो स्पैन कैसे वर्क करता है। तो हमने एक रो का ये डेटा यहाँ पे हटा दिया एंड हमने यहाँ पे रो स्पैन लिखा, उसमें टू लिखा। टू इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये दो कॉलम की सॉरी दो रोज की जगह घेरेगा। कॉल स्पैन इसलिए बिकॉज यहाँ पे दो कॉलम्स की जगह घेरेगा। ठीक, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे जाके कंट्रोल आर किया एंड नाउ यू कैन सी दैट ये हमारा रो स्पैन है। ठीक, ये दो रोज़ की जगह घेर रहा है, मतलब ये 1 और 2 दोनों रोज़ की जगह घेर रहा है। ये हमारा कॉल स्पैन था जो हमारा सीरियल नंबर और हमारा नेम दोनों की जगह घेर रहा था। तो आई रियली होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो और कैसे वर्क हो रहा है ये भी समझ में आया हो, रो स्पैन कॉल स्पैन और टेबल्स का ये पूरा आज का हमारा लेक्चर समझ में आया हो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल त्रदेव। सो आज हम हमारी HTML सीरीज़ का 6th पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, फॉर्म्स एंड फॉर्म्स के साथ कौन कौन से टैग्स यूज़ होते हैं, जैसे कि इनपुट टैग। इनपुट टैग्स में एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, जिसमें टेक्स्ट का यूज़ करके हम टेक्स्ट के एक इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं। नंबर का यूज़ करके एक नंबर के लिए इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं। लेबल, टेक्स्ट एरिया, एड्रेस के लिए एक बड़ा इनपुट बॉक्स क्रिएट करने के लिए सेलेक्ट ऑप्शन, ताकि एक ड्रॉप डाउन बनकर आ जाए, जिससे आप एक ड्रॉप डाउन से इनपुट फील्ड, जिससे हम वैल्यू इनपुट कराते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकली देखते हैं ये सारे टैग्स कैसे वर्क करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे अपना क्रोम और अपना सबलाइम टेक्स्ट दोनों ही स्क्रीन पे रखे हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे अब न्यू मैंने फाइल ली है, यहाँ पे मैं फॉर्म टैग स्टार्ट करूँगी एंड फॉर्म टैग एंड कर दूँगी। ऐसा मैं आपने टेबल में भी किया था, जब आप टेबल करते थे तो टेबल टैग स्टार्ट करते थे एंड टेबल टैग एंड करते थे, वैसे ही जब आप फॉर्म पे वर्क करेंगे तो आपका फॉर्म टैग स्टार्ट होगा एंड फॉर्म टैग ऐड होगा। अब आप इसमें पहली इनपुट फील्ड देखते हैं क्या है। इसकी पहली इनपुट फील्ड मैं देखने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ टेक्स्ट की। ठीक, नेम एट्रीब्यूट का क्या वर्क है ये हम आपको बाद में बताएंगे जब हम PHP के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम टाइप का देखते हैं, टाइप इसका टेक्स्ट दे देते हैं एंड कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पर आके कंट्रोल आर किया। नाउ यू कैन सी दैट टेक्स्ट में क्या होता है। ABCD भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं एंड सिंबल्स भी लिख सकते हैं। तो आप समझ गए टेक्स्ट फील्ड का हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब हम अपने टेक्स्ट बॉक्स पे हमें अल्फ़ा न्यूमेरिक इंसर्ट कराना होता है कि हम वहाँ पे नंबर्स भी इंसर्ट करा सकें, अल्फ़ाबेट्स भी करा सकें और सिंबल्स भी करा सकें। ओके, नाउ अब हम रेडियो देखते हैं। इनपुट टाइप मैं यहाँ पे रेडियो देती हूँ। आपने मोस्टली ऑनलाइन फॉर्म जब भरा होगा तो उसमें एक ऑप्शन आता होगा मेल फीमेल अदर जेंडर वाला, तो वहाँ पे ये रेडियो बटन यूज़ होता है। चलिए हम यहाँ मेल दे देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ फीमेल दे देते हैं। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे देख के कंट्रोल आर किया। तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक और चीज़ कर देती हूँ, PR टैग, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। तो आप समझ गए होंगे ये रेडियो बटन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे दोनों रेडियो का यूज़ कर पा रहे हैं, हमें एक ही करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले हम सारे भी इनपुट टैग्स और उनके टाइप देख लेते हैं। अब आता है चेक बॉक्स, जब हमें मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है तब हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। ओके, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ओके एंड यहाँ पे मैंने दे दिया HTML, कंट्रोल एस, ब्राउज़र पे आके कंट्रोल आर किया
एंड यू कैन सी दैट ये चेक बॉक्स चेक करने के लिए आ गया। इसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक ब्रेक टैग दे देती हूँ। ओके, फिर आता है नंबर इनपुट टाइप। इनपुट टाइप हमने दिया नंबर, ठीक। नेम एट्रीब्यूट का अभी कोई यूज़ नहीं है, हम इसे हटा देते हैं। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे आए, कंट्रोल आर किया, एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अल्फ़ाबेट इंसर्ट कराने की कोशिश कर रही हूँ पर यहाँ से हो नहीं रहा है। नंबर्स इंसर्ट करा रही हूँ तो हो रहे हैं, ओके। सिंबल्स भी करा रही हूँ बट नहीं हो रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे हम इसका यूज़ क्यों करते हैं नंबर का, जब हमें स्पेसिफिकली केवल नंबर्स ही इंसर्ट कराने होते हैं अपने इनपुट फील्ड में। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ भी ब्रेक टैग दे दिया एंड यहाँ भी। नाउ पासवर्ड, हम नहीं चाहते किसी को हमारा पासवर्ड दिखे, ओके। पासवर्ड में भी हम अल्फा न्यूमेरिक इंसर्ट करा सकते हैं, इट्स जस्ट वो हमें शो नहीं होगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे आए, कंट्रोल आर किया, यू कैन सी दैट हम यहाँ कुछ भी टाइप करें, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, इवन स्पेस बार टू, सब यहाँ पे डॉटेड डॉटेड बन कर आ जाएगा, ठीक। नाउ वन मोर थिंग, बी आर टैग लगा दिया, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक। जब हमें अपने फॉर्म को सबमिट करना होता है तो हम इस इनपुट टैग का यूज़ करते हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, बटन बनकर आ गया जिससे हम इजीली अपना फॉर्म सबमिट कर लेते हैं। सो गाइस, बेसिक इनपुट टैग के जितने भी टाइप्स होते हैं उसमें तीन टाइप और बचे थे, जिसमें पहला है डेट, ओके, जिसके आपके पास एक डेट पिकर आ जाएगा जिसकी हेल्प से आप लोग डेट इंसर्ट करा सकते हैं अपनी इनपुट फील्ड में। जैसे कैलेंडर आ गया, हमने यहाँ पे इजीली कोई भी डेट इंसर्ट करा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, ओके। इसका बेसिकली यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इसको तो हम लोग टेक्स्ट से भी इंसर्ट करा सकते हैं, बट नहीं, इसका ख़ास तौर से यूज़ इसलिए है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट करा दिया एंड जब मैं अपना फॉर्म सबमिट करूँगी तो यहाँ पे एक वार्निंग शो करेगा अगर मैंने ऐट द रेट का यूज़ नहीं किया है, ओके। एंड फिर आता है इनपुट टाइप फाइल, ओके। जब हमें कोई फाइल अपलोड करानी होती है तब हम इस इनपुट टाइप का यूज़ करते हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, एंड नाउ आपको दिख सकता होगा यहाँ पे एक फाइल पिकर आ गया जहाँ से हम फाइल चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे इनपुट टैग के टाइप जितने मैंने आप बताए हैं वो समझ में आए हो। अब हम फॉर्म्स की अपनी इस आज की वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, फॉर्म के अंदर हम लोग एक टैग का यूज़ और करते हैं, लेबल। लेबल का हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं जब हमें किसी इनपुट टाइप के ऊपर एक लेबल सा देना होता है कि वो टैग का काम क्या है। जैसे मैंने एक यहाँ पे लेबल दे दिया अपलोड फाइल, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे जाके कंट्रोल आर किया। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास एक इस टेक्स्ट जो हमारी इनपुट फील्ड है, फाइल पिकर है हमारा, इसके पहले लेबल आ चुका है अपलोड फाइल, ओके। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपने एक और टैग के बारे में जिसका नाम है फील्ड सेट। फील्ड सेट का यूज़ हम लोग बेसिकली तब करते हैं जब हमें पूरे फॉर्म के बाहर एक बाउंड्री सी देनी होती है एंड उसके साथ एक और टैग यूज़ होता है लेगेंड, जिसके अंदर हम लोग एक लेबल टाइप का प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक माई फॉर्म। अब फील्ड सेट को हम लोग बंद कहाँ करेंगे, जस्ट फॉर्म जहाँ हमारा बंद हो रहा है ना उसके जस्ट ऊपर, ओके। ये हमारा फॉर्म बंद हो रहा है इसके जस्ट ऊपर, कंट्रोल एस किया, देन यहाँ आके कंट्रोल आर। नाउ यू कैन सी दैट एक स्क्रीन सी आ गई हमारे पास, मतलब बॉर्डर सा आ गया पूरा, जिसमें आपको पूरा पता चल गया होगा फील्ड सेट का एग्जैक्टली यूज़ क्या होता है, ओके गाइस। एंड लेजेंड का यूज़ भी क्या होता है आपको पता चल गया होगा, लेजेंड में हमने जो लेबल लिखा था यहाँ पे माय फॉर्म वो यहाँ पे आ गया, आप अपने यूज़ के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ओके गाइस। तो अब हम ये जानेंगे अगर हमें कोई ह्यूज क्वांटिटी का डेटा इंसर्ट कराना हो तो हम कैसे करेंगे, हम टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करेंगे।
लॉरम इप्सम का मैंने एक बेसिक सा डेटा कॉपी कर रखा है जो मैं अभी पेस्ट कर देती हूँ। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे कंट्रोल आर, एंड नाउ यू कैन सी दैट एक छोटा सा बॉक्स बनकर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट रिया के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, रोज़ एंड कॉल्स, जिनका यूज़ करके इसको बकायदा डिफ़ाइन करूँगी कि मुझे इसकी कितनी हाइट चाहिए, कितनी विड्थ चाहिए। मुझे इसकी 10 रो चाहिए एंड लेट्स 50 कॉल, कंट्रोल एस एंड ब्राउज़र पे कंट्रोल आर। नाउ यू कैन सी दैट ये आप प्रॉपरली डिफाइन है। अपनी नीड के हिसाब से आप रोज़ एंड कॉल्स देकर टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, फॉर्म टैग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बची है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, सिलेक्ट टैग। जब हमें एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना होता है तो हम सिलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। अब इसमें हम जैसे कि क्या क्या ऑप्शन देने वाले हैं, लाइक मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया HTML, देन ऑप्शन CSS, then option JavaScript, and next option will be PHP. Control S किया, ब्राउज़र पे आके कंट्रोल आर किया, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे छोटा सा ड्रॉप डाउन आ गया है जिसमें हमने ऑप्शंस में जो जो वैल्यू दी थी वो यहाँ पर आ गई हैं। सो गाइस, HTML के फॉर्म में बेसिक जितने भी टैग्स होते हैं और इनपुट टाइप के हमारे जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वो सारे हम पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ उन टाइप के बारे में भी जान लेते हैं जिनका कॉमनली बेस पर यूज़ तो नहीं होता है, बट जो कि हम HTML की फॉर्म की लेक्चर पढ़ ही रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन जानना भी ज़रूरी है। ओके, सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ रेंज के बारे में। रेंज आपने देखा होगा एक स्लाइडर सा कभी ना कभी किसी वेब पेज पे, कि लाइक किसी भी चीज़ का साइज़ बढ़ाने का, कम करने का, या ब्राइटनेस बढ़ाने कम करने का, तो वो रेंज से होता है। ठीक है, नाउ इनपुट टाइप सर्च, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, एंड यू कैन सी दैट एक इनपुट फील आ गई है, क्रॉस कर रहे हैं एंड सब चला जा रहा है लाइक अ सर्च बार। तो एक और ही हमें मिलता है, एंड एक और इनपुट है हमारे पास मंथ का। ओके, एंड कंट्रोल एस कंट्रोल आर, नाउ हमारे पास ये आ गया है एक इनपुट टाइप जिससे हम अपना मंथ इंसर्ट कराते हैं, एंड नाउ वन मोर इनपुट टाइप मंथ के लिए है, एक हमारे पास वीक भी होता है, कंट्रोल एस सॉरी एंड नाउ कंट्रोल आर, सो यू कैन सी दैट वीक भी आ गया है, हम इससे अपना वीक इंसर्ट करा सकते हैं। एंड गाइस, लास्ट वन इज टाइम, कंट्रोल एस एंड नाउ कंट्रोल आर, यू कैन सी दैट एक हमारे पास टाइम आ गया और एंड मिनट का हो गया, वहाँ पे वो भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब बेसिकली मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स कर बताने जा रही हूँ फॉर्म के। पहली बात तो टेक्स्ट फील्ड में एक हमारा एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर नाम का, एंटर नेम, इससे हम एक टाइप की हिंट प्रोवाइड करते हैं जो फॉर्म फिल कर रहा होता है उसको, कि उसको उस इनपुट फील्ड में क्या लिखना है। हम चाहे तो लेबल भी दे सकते हैं, हम चाहे तो प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं, हम चाहे तो लेबल प्लेस होल्डर दोनों दे सकते हैं। ओके, और एक हमारा फॉर्म पे और होता है एक्शन। ओके, इस फॉर्म का, इस पेज का नाम है forms.html, है ना। एक्शन पे हम लोग उस फाइल का नाम लिखते हैं जहाँ पे बटन होता है हमारा, बटन से जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा जो इनपुट, ये जो टाइप है बटन सबमिट वाला, यहीं पे लगा हुआ है, इसलिए गाइस हमने सबमिट को यहीं पे दे दिया है। अगर हमारा एक्शन किसी दूसरे पेज पे होगा तो हम लोग एक्शन पे जाके उस दूसरे पेज का नाम दे देंगे। ठीक है, सो फॉर्म्स का बेसिक जो हमारा लेक्चर था आज, हमने उसमें सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा,
एंड गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड किसी को भी अगर लाइव क्लास लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है, आप वहाँ पे जाके लाइव क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी को फ्रीलांस वर्क करवाना हो, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट या फिर वेब प्रोजेक्ट और iOS प्रोजेक्ट, तो यू कैन ऑल्सो DM ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज और यू कैन टेल अस ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर YouTube चैनल त्रदेव। सो आज हम हमारी HTML सीरीज़ की प्लेलिस्ट का 7th पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ मीडिया टैग्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि ऑडियो टैग, वीडियो टैग एंड आई फ्रेम के बारे में जानेंगे। फिर हमारा एक लिस्ट आता है UL एंड OL। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, इनके बारे में भी जानेंगे। तो ये चारों टॉपिक्स आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। सो गाइस, हमने एक न्यू फाइल ले ली है। ऑडियो इंसर्ट कराने के लिए हम ऑडियो टैग का यूज़ करेंगे, तो ऑडियो टैग शुरू किया एंड बंद किया। इसके अंदर हम आते हैं सोर्स टैग। सोर्स में हम सोर्स का नाम, मतलब पाथ जो हमारी फाइल है, ऑडियो फाइल है, उसका पाथ दे देते हैं। तो मेरे पास एक ये फाइल है एंड उसके बाद इसका टाइप दे देते हैं। टाइप आ गया है, इट्स यहाँ पे लिखेंगे हम ऑडियो / /mpeg। ओके, एंड ऑडियो के साथ मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ कर देती हूँ, कंट्रोल्स, ताकि हमारे सारे कंट्रोल्स भी वहाँ आ जाए। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे आए, कंट्रोल आर किया, एंड यू कैन सी दैट हमारे पास एक हमारा ऑडियो आ गया है विथ ऑल द कंट्रोल्स। ओके गाइस, सो नाउ सिमिलरली हमारा वीडियो टैग भी वैसे ही वर्क करेगा। हमने वीडियो टैग यूज़ किया, नाउ यहाँ पे हमारा सोर्स, एंड सोर्स में हम लोग अपनी फाइल का नाम दे देते हैं woodland.mp4 एंड टाइप में हम लोग देंगे वीडियो, सॉरी वीडियो mp4 /mp4। ओके, एंड वीडियो के साथ हम लोग, वीडियो टैग के साथ हम लोग दो एट्रीब्यूट्स का यूज़ करने वाले हैं, फर्स्टली कंट्रोल्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ विथ, ताकि ये फुल स्क्रीन पे ना आए। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे आए, कंट्रोल आर किया, एंड यू कैन सी दैट हमारा वीडियो आ गया है हमारे सारे कंट्रोल्स के साथ। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो हमारे दोनों ही मीडिया टैग, ऑडियो और वीडियो। अब हम जानते हैं आई फ्रेम के बारे में। ओके गाइस, सो लेट्स नो अबाउट आई फ्रेम। आई फ्रेम का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें अपने किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को जो दूसरे किसी वेब पेज पे है और उसको अपने वेब पेज पे शो कराना हो, जैसे कि ये गूगल मैप है, हमें इस यहाँ के गूगल मैप को अपने वेबसाइट पे शो कराना हो तो हम कैसे करेंगे? हम शेयर पे जाएंगे, एम्बेड मैप पे जाएंगे, ये कॉपी HTML को कॉपी कर लेंगे एंड अपने वेब पेज पे यहाँ पे आके कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे विड्थ 600 है, इसको हम 400 कर देंगे। हाइट 450 है, इसको 300 कर देंगे। अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कंट्रोल S करेंगे, अपने वेब पेज पे आएंगे, कंट्रोल आर करेंगे, एंड नाउ आप देख सकते हो इंडिया गेट का पूरा हमारा गूगल मैप आ गया है, व्यू लार्जर मैप। इसको आप जूम करना चाहो तो जूम कर लो, जूम माइनस करना चाहो तो भी कर लो, सारे डायरेक्शंस आ गए हैं। ओके, अब अगर हमें किसी अपने यूट्यूब वीडियो को दिखाना हो तो हम वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ब्रेक दे देते हैं ऐसे। नाउ ये हमारा चैनल की एक वीडियो है एंड मैंने यहाँ पे शेयर पे क्लिक किया। शेयर पे क्लिक करने के बाद एम्बेड पे क्लिक किया, हमारे पास ये पूरा कोड आ गया एक आई फ्रेम का। हमने इसे कॉपी किया, कंट्रोल सी
एंड अपने वेब पेज पे आके कंट्रोल वी कर दिया। विड्थ यहाँ 560 है, मैंने अपने हिसाब से 400 दे दी। एंड हाइट यहाँ पे 315 है, मैंने 250 कर दी। कंट्रोल एस किया, अपने वेब पेज पे गए, कंट्रोल आर किया, एंड नाउ कैन सी दैट मेरा यहाँ पे एक वो वीडियो आ गई है जिसका मैंने आई फ्रेम लगाया है। ये प्ले भी हेलो गाइस सारे कंट्रोल के साथ जो जो आपके यूट्यूब पे कंट्रोल्स होते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये आई फ्रेम समझ में आया हो। इस तरह आप किसी वेबसाइट का भी आई फ्रेम लगा सकते हो, किसी पर्टिकुलर वेब पेज का आई फ्रेम लगा सकते हो। नेक्स्ट अब हम लिस्ट के बारे में जानते हैं। सो गाइस, लिस्ट हमारी दो टाइप की होती है, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारी जो लिस्ट है उसकी अपीयरेंस जो होती है वो डिस्क, स्क्वायर, सर्कल्स में होती है। एंड ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारी जो लिस्ट होती है नंबर्स में भी आती है। जैसे अगर हमने टाइप 1 दे दिया तो 1, 2, 3 करके आएगी। अगर हमने टाइप कैपिटल A दिया है तो कैपिटल ABCD करके आएगा, स्मॉल A तो स्मॉल ABCD, अगर कैपिटल I तो कैपिटल रोमन नंबर्स का यूज़ होगा, अगर स्मॉल I तो स्मॉल रोमन नंबर्स का यूज़ होगा। तो प्रैक्टिकली देखते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो आपको भी ईजिली समझ में आए। सो गाइस, पहले हम UL टैग के बारे में जानेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL टैग ओपन किया, UL टैग बंद किया, नाउ LI टैग लगाया। इसके अंदर हम अपने लिस्ट का कुछ भी कंटेंट अभी लिखते हैं। कंट्रोल सी किया, मैं भी इसी को बार बार पेस्ट कर लेती हूँ। अब देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिस्ट का आपका क्या शो करता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपके सर्कल्स आ जाते हैं जो कि कंप्लीट फिल होते हैं। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके वैल्यू देती हूँ स्क्वायर, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल आर किया, नाउ यू कैन सी दैट ये सर्कल से स्क्वायर हो चुके हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे सर्कल देती हूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, ये सर्कल्स हैं जो ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। एंड वन मोर डिस्क, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, तो ये डिस्क आ गई हैं जो कि सर्कल्स हैं बट फिल्ड हैं। नाउ वन मोर एंड द लास्ट वन नन, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। तो अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाना है तो नन आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क आता है, उसके अलावा आपके पास स्क्वायर होता है, आपके पास सर्कल होता है, एंड नन भी आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं OL के बारे में। OL टैग शुरू किया, OL टैग बंद किया, लिस्ट टैग शुरू किया। नाउ अब हम यहाँ भी ऐसे HTML लिख देते हैं, सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम टाइप दे देते हैं एट्रीब्यूट में कैपिटल A। चलिए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं दे के देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट हमें क्या शो करता है। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल आर किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 1, 2, 3, 4 शो करता है। ग्रेट, नाउ टाइप का यूज़ करके हम जब यहाँ कैपिटल A देते हैं, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल आर किया, तो हमें कैपिटल ABCD में शो कर रहा है। नाउ स्मॉल A कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, तो हमें स्मॉल ABCD शो कर रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे कैपिटल I का यूज़ किया, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, ये हमें रोमन नंबर देने लगा। एंड अब मैंने यहाँ पे स्मॉल I का यूज़ किया, कैपिटल कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर, स्मॉल में रो नंबर्स आ गए। एंड मैंने जब यहाँ 1 का यूज़ किया, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, डिफ़ॉल्ट में जैसा हमें शो कर रहा था ये वैसा दिखाने लगा। सो गाइस, आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया हो, ऑडियो, वीडियो, आई फ्रेम एंड लिस्ट सभी चीज़ें। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।